हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब? घर पर रहकर सुरक्षित पढ़ाई करनी है आपको, बाहर जाना नहीं है और घर बैठे अपने स्टडी को जारी रखना है। इस कोरोना की महामारी में आपको घर पर रहकर सुरक्षित पढ़ाई करनी है। कल हमने पढ़ा था लट लकार, आज हम पढ़ेंगे लिट लकार, जिसे भविष्य काल कहते हैं संस्कृत में। लेट लकार जिसे हिंदी में हम भविष्यकाल कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में हम फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। अब मैं आपको धातु रूप के बारे में बता देता हूं। फट धातु के आपको धातु रूप बनाने, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और यहां पे उत्तम पुरुष। पट धातु के साथ में हम लका धातु बनाएंगे, पठिष्यति। पठिष्यत और पठिष्यन्ति। पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ। पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आपको विसर्ग का ध्यान रखना है। लिट लकार में विसर्ग है जो एल आकार में आपको लगाना है। ये आपको पता होगा, पठिष्यति सॉरी पठिष्यत पठिष्यथ और पठिष्याव, यहाँ पे पठिष्यामः। मैंने भी विसर्ग है वो एल के आकार में लगाया है। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बस सिर्फ जो विसर्ग लगेंगे लट लकार और लिट लकार, उन दोनों में आपको विसर्ग का ध्यान रखना है और विसर्ग वो हमेशा एल के आकार में लगेंगे। लट लकार और लिट लकार, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है सिर्फ। अब आपको वाक्य है, जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, ये आपका वाक्य है। अब ये वाक्य सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वाक्य कौन से काल का है। वह पढ़ेगा, ये वाक्य आपको दिख रहा है, ये भविष्य काल की बात कर रहा है। वह पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा। तो ये सबसे पहले ये कौन सा लकार है? लिट लकार। ये ध्यान कर दिया। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। वह को संस्कृत में कहते हैं सह। ये भी आपको ध्यान हो गया। अब पढ़, पढ़ना को आप संस्कृत में पट धातु होती है। पढ़ना की धातु कौन सी होती है? पट। पट धातु है पढ़ना। अब पट धातु के साथ में मैंने यहाँ पे सह प्रथम पुरुष एक वचन लगाया है, तो मुझे पट धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है। ये पट धातु है, धातु रूप है, पट धातु का प्रथम पुरुष ये है। पूरा यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष का मुझे एक वचन चाहिए, तो प्रथम पुरुष का एक वचन ये है पठिष्यति। तो ये लगेगा यहाँ पे पठिष्यति, वह पढ़ेगा। ये मैंने प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी मैंने प्रथम पुरुष एक वचन लगा दिया।
प्रथम पुरुष एक वचन स्वर्णनाम का, प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम का। पहले आपको लकार का ध्यान करना है कि कौन सा लकार है, उसके बाद में उसी लकार में धातु रूप लेके जाना है, उसी प्रकार उसके बाद में शब्द सर्वनाम लेके जाना है और उन सबको क्रम वाइज उनको रखना है, तब जाकर के आपके वाक्य को सही ढंग से आप अनुवाद कर सकते हो। दूसरा वाक्य है, वे सभी पढ़ेंगे, वे सभी पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है कि वाक्य लिट लकार का है, वे सभी पढ़ेंगे। जो वाक्य है वो पूरी तरह से लिट लकार का है। लिट लकार का वाक्य है तो आपको ये भी ध्यान करना है कि लिट लकार के वाक्य में आपको हमेशा आप करोगे कोई भी वाक्य का अनुवाद करोगे तो पूरा तरह से आपका ध्यान जाना चाहिए लिट लकार के वाक्य ऊपर। लिट लकार नहीं, भविष्य काल के ऊपर। भविष्य काल में अब आपको कि वे सभी है, ये बहुवचन है, वे सभी एक वचन नहीं है, न द्विवचन है, ये बहुवचन है, बहुत सारे लोगों के लिए कहा गया है। तो आपको यहाँ पे बहुवचन वे सभी है, वे सभी का आपको पता होगा सह तौ ते। अब वे सभी को क्या कहते हैं संस्कृत में, ते, क्या कहेंगे ते। अब पढ़ेंगे, पट धातु है, यहाँ पे मैंने बहुवचन लगाया है, प्रथम पुरुष बहुवचन लगाया, आपको भी प्रथम पुरुष बहुवचन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन क्या आएगा, पठिष्य ती, पठिष्यंती। यहां पे अगर आपको बहुवचन है तो आपको यहां पे भी बहुवचन लगाना है, अगर यहां पे एक वचन है तो यहां पे भी आपको एक वचन लगाना है, धातु रूप का एक वचन लगाना है और सर्वनाम का भी एक वचन। अगर सर्वनाम का बहुवचन है तो आपको यहां पे भी बहुवचन लगाना है। अब मैं पढ़ूंगा, आपको पता होगा ये भी वाक्य है वो लिट लकार का है। कैसे आपने पता किया, मैं पढ़ूंगा भविष्य की बात कह रहा है और भविष्य की बात कह रहा है तो भविष्य की बात जब कोई वाक्य कहता है तो वो वाक्य संस्कृत में लट लकार में आता है। अब लट लकार में आ गई, सॉरी लिट लकार में आता है। अब लिट लकार में अब मैं है, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, मैं को संस्कृत में आप क्या कहोगे, अहम, अहम। अब मैंने यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन लगा दिया है तो मुझे यहाँ पे भी पट धातु का उत्तम पुरुष एक वचन लगाना है। ये पट धातु है और पट धातु का उत्तम पुरुष ये है और उत्तम पुरुष का एक वचन ये है यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पठिष्यामी, पठिष्यामी यहाँ पे, ये मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, यहाँ पे भी आपको उत्तम पुरुष एक वचन लगाना है पठिष्या मी। अब आपको छोटे छोटे शब्दों के बारे में जो वाक्य थे उन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना आपको आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है, वो है लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार को आप हिंदी में भूतकाल भी कहते हो और अंग्रेजी भाषा में आप पास्ट टेंस कहते हो। आपको पता होगा कि अगर पट धातु के साथ में अगर लंग लकार के कोई भी धातु रूप बना दें तो आपको उसके आगे अ लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठानी, अपठाव, अपठाम।
ये आपके सामने लिखा हुआ है अत्तम अन शून्यतम त आनी आव आम, जैसे अपटत अपटताम अपटन, अपट अपटताम अपटत, अपटानी अपटाव अपटाम। अब आपको कोई भी वाक्य है, जैसे वह पढ़ता था, अब ये वह है जो ये संस्कृत भाषा को, अगर वह का संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे सह, सह को वह कहते हैं, और पट धातु है, ये आपको पता होगा, वह पढ़ता था भूतकाल की बात कह रहा है, और भूतकाल की बात कहने वाला होता है लंग लकार। पढ़ता था एक वचन है सह, मैंने प्रथम पुरुष एक वचन लगा दिया है, तो आपको भी प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है अपटत अपटत। अगर वे सभी पढ़ते थे, वे सभी पढ़े थे, भूतकाल की बात कर रहे हैं कि वे सभी पढ़े थे, वे सभी को कहते हैं ते अपठन। बहुत ही सिंपल है, अगर यहाँ पे बहुवचन लगा रहे हो तो इसको भी बहुवचन में कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ पे बहुवचन में बदलना है आपको। अब हम आपको पढ़ाएंगे वो है लोट लकार। मैं आपको मोटे तौर पर सबका थोड़ा थोड़ा परिचय दे देता हूँ, फिर उसके बाद में उसके आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वो लकार है लोट लकार, आज्ञार्थक काल जिसे कहते हैं। लोट लकार, लोट लकार को हम कहते हैं आज्ञार्थक काल। लोट लकार को कहते हैं हम आज्ञार्थक काल। अब इसका भी धातु रूप बनाएंगे, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत। पठानी पठाव और पठाम। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठताम पठत पठानी पठाव पठाम। अब आपको वाक्य आपके सामने, अब इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे लोट लगाए का, जहाँ पे आप किसी को आज्ञा देते हो, जहाँ पे कोई किसी को काम के लिए आज्ञा देते हो, कहते हो कि यहाँ से खड़े होकर के आप वहाँ जाओ, क्लास से बाहर जाओ, वो काम करो, वो करो, वो करो, जहाँ पे आप अपने किसी को आज्ञा देते हो, वहाँ पे आपको आज्ञार्थक काल में आपको लोट लगाए का प्रयोग करना है। जैसे तुम जाओ, अब ये है मैं किसी को कह रहा हूं कि तुम जाओ, अब तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम। अब जाओ को क्या कहेंगे, जाना का धातु होती है गच, कौन सी लकार का है ये, आज्ञार्थक काल, तो कौन सा हो गया लोट लकार, कौन सा हो गया लोट लकार। अब त्वम है, तुम है, वो एक वचन है, एक मैं अकेले को कहता हूं कि तुम जाओ, वो एक वचन है, और कौन सा पुरुष है तुम, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष, सह तो ते सहाते ताहा तत्ते तानी, सह तो ते सहाते ताहा तत्ते तानी, ये प्रथम पुरुष खत्म हो गया। अब आता है मध्यम पुरुष,
तवाम युवाम यूयम, ये हो गया मध्यम पुरुष। फिर उसके नीचे आता है उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम। तो हमको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये त्वम है, त्वम है वो मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो तवाम पठ, त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम पठ तुम पढ़ो। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे भी एक वचन है तो यहाँ पे भी एक वचन प्रयुक्त करना है। तो हमको आप ऐसे भी लिख सकते हो त्वम, पर ऐसे कब लिखना है, जब आगे कोई स्वर आ जाए। आगे स्वर है तो आपको म को हलंत में लिखना है। अगर आगे व्यंजन है, अगर आगे व्यंजन वर्ण आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए तो हलंतियम म को आप अनुस्वार में बदलना है। किस में बदलना है, अनुस्वार में। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं यहां पर आपको ऐसे भी लिख सकता था त्वम, पर ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है, प है वो व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण आगे होने के बाद में हलंतियम जो म है उसका क्या करना है आपको, अनुस्वार करना है। अनुस्वार का अनुस्वार सूत्र कहता है, मोनुस्वार सूत्र कहता है कि म हलंतियम के आगे अगर कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसको अनुस्वार में बदलना है। ये सूत्र है मोनुस्वार सूत्र। अब आपको दूसरा वाक्य में बता रहा हूं, वो है तुम सभी जाओ। अब कोई भी वाक्य है तो सबसे पहले उनमें आपको काल का ध्यान रखना है कि ये कौन से काल का है, भूतकाल का है, भविष्यकाल का है, या भविष्यकाल का है या वर्तमान काल का है। अब आपको ये वाक्य पढ़ते ही ध्यान में आ जाता है कि ये आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा देने का काल कौन सा हो गया, लोट लकार। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आज्ञार्थक जो काल है वो है लोट लकार, तो आज्ञा देने का जो काल है वो कौन सा हो गया, लोट लकार। तुम सभी जाओ, मैं किसी को आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम सभी यहाँ से खड़े होकर के जाओ, मैंने आज्ञा दी है। अब तुम सभी को क्या कहते हैं संस्कृत में, त्वाम युवाम यूयम, कौन सा पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम। जाओ को क्या कहते हैं, गच, गच धातु है जाना, ये मैंने गच। अब मैंने मध्यम पुरुष बहुवचन लगाया यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन यहां पे आता है तो यहां पे आएगा गचत। अब आप कहोगे कि सर आपने यहां पे म हलंतियम लिखा, तो यहां पे ये आपको मुझे जो म है ये जो लिखा हुआ है ये आप मोनुस्वार सूत्र होता है, एक सूत्र होता है मोनुस्वार, मोनुस्वार सूत्र है मोनुस्वार। ये सूत्र कहता है कि अगर हलंतियम म के आगे अनुस्वार आ जाए, सॉरी अलंतियम म के आगे अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसका आपको क्या करना है, अनुस्वार करना है। तो यहाँ पे यूयम लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखोगे यूयम गचत, तब जाके ये सही होगा यूयम गचत। तुम दोनों जाओ, ये अब कौन से वाक्य है तो लोट लकार का अज्ञार्थक काल है, पर वचन कौन सा है, द्विवचन है, क्योंकि दो जने लोट लकार है, फिर इसमें क्या है, द्विवचन है, और क्या है इसमें, मध्यम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष। अब आपको इस क्रम का ध्यान रखते हुए आपको वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब तुम है, तुम दो है, दो जने तवाम युवाम, युवाम
त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। युवाम द्विवचन के लिए कौन सा प्रयोग किया है? युवाम। तुम दोनों के लिए क्या होगा? युवाम जाओ। जाओ को क्या अर्थ हो गया? गच्छ, गच्छ धातु की। जाना को क्या कहते हैं? गच्छ धातु। गच्छ धातु जाओ, तो यहां पे भी लिखना है गच्छ तम। क्या लिखोगे? गच्छ तम। पट पटतम पटत, उसी प्रकार गच्छ गच्छतम गच्छत। यहां पे मैंने द्विवचन लगा दिया है, तो यहां पे भी आपको मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाना है। ये ध्यान रखना है, जो वचन है, जो पुरुष है और जो लकार है, वही लकार, वही वचन और वही पुरुष आपको उपयोग में लेना है। अब आपका एक रह गया, वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार है वो आपका चाहिए के अर्थ में काम आता है। अब आपका इसको धातु रूप बनाना है, पठेत पठेताम पटेयु पठेत पठेताम पटेयु पठे पठेताम पठेत। पठेयम पठेव पठे मा। ये आपके सामने धातु रूप है, पटेत पटेताम पटेयु पटे पटेताम पटेत पटेयम पटेवा पटे महा। अब आपको इसका वाक्य बनाना है, तुमको पढ़ना चाहिए। ये आपके सामने वाक्य है। अब आपको पता है कि तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं और पढ़ना को क्या कहते हैं? पट। पट यानी पढ़ना, पट धातु है, पढ़ना है। अब त्वम मध्यम है, तो यहां पे मध्यम लगाना है, त्वम पठे। एक वचन है, इतनी बड़ी लाइन है हिंदी में और इसका संस्कृत में इतना सा है। आपको पता होगा कि सिर्फ त्वम का अर्थ होता है तुम और तुमको पढ़ना चाहिए, तो त्वम पठे तुमको पढ़ना चाहिए। अब आपको बहुवचन में तुम सभी को पढ़ना चाहिए, तुम सभी को पढ़ना चाहिए। अब तुम सभी है, यहां पे बहुवचन है तुम सभी, तो यूयम बहुवचन लगा दिया मैंने, पढ़ना चाहिए तुम सभी को। ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का वाक्य है, ये भी मध्यम पुरुष है यहाँ पे, और मध्यम पुरुष में बहुवचन में पठेतर आता है, तो मैंने लिख दिया पठेत, तुम सभी को पढ़ना चाहिए, तुम सभी को पढ़ना चाहिए। आगे एक वाक्य, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। अब आपको होगा पता होगा कि मैंने तुम का तो बता दिया और आपका तो पता ही नहीं है कि आपको संस्कृत में क्या कहते हैं। आपको संस्कृत में कहते हैं भवाना। क्या कहते हैं?
भवान, ये सिर्फ पुल्लिंग के लिए काम आता है, ये भी ध्यान रखना आपको। भवान शब्द है वो पुल्लिंग के लिए काम आता है, अगर स्त्रीलिंग में भवान है तो नहीं होगा, स्त्रीलिंग में होगा भवत्याम, स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या होगा भवत्याम, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भवान है नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, एक वचन है आपको पढ़ना चाहिए, क्या लगेगा मध्यम पुरुष एक वचन है आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़े भवान पढ़े, आपको पढ़ना चाहिए। अगर इसी तरह अगर लड़की का होता तो भवत्याम पढ़े, क्योंकि स्त्रीलिंग में क्या होता है भवत्याम आता है और पुल्लिंग में आता है भवान, दोनों के लिए अलग अलग प्रयुक्त होते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धातु के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धातु होती है वो तीन प्रकार की होती है, धातु होती है वो धातु है तीन प्रकार की होती है, पहली ये प्रश्नपदी, धातु दूसरी ये आत्मनेपदी धातु, और तीसरी है आपकी उभयपदी धातु, ये भी आपको ध्यान रखना है कि धातु तीन प्रकार की होती है, एक होती है प्रश्नपदी, एक होती है आत्मनेपदी, एक होती है उभयपदी। इसके बारे में डिटेल में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आपको धातु के बारे में पता चल गया, अब धातुओं के जो अर्थ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं दो चार जो मोटे तौर पर जो धातु है उनका हिंदी अनुवाद भी बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। एक तरफ आपको धातु लिखनी है, धातु और उसका अर्थ, जैसे पट धातु है, पट का अर्थ होता है पढ़ना, लिख धातु है और लिख का अर्थ होता है लिखना, गम धातु है, गम से गस बनता है, जाना, नृत्य नृत्य धातु है, नृत्य धातु का अर्थ होता है नाचना, खाद धातु है, खाद का अर्थ होता है खाना, पीप धातु है, पीप का अर्थ होता है पीना, पाक धातु है, पाक का अर्थ होता है पकाना, धाव धातु है और धाव का अर्थ होता है दौड़ना। ये जो जो धातु है उनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान होना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, जो भी मित्रों ने मुझे कमेंट करके जो सुझाव दिया है डेट की क्लास के लिए, मैं उनके लिए जल्दी ही डेट का सिलेबस करवाने के लिए तत्पर हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डेट से संबंधित जो जो सिलेबस के जो जो टॉपिक है टॉपिक वाइज एक एक का अध्ययन करेंगे। जैसे ही हम अगली क्लास लेंगे वो रीट से संबंधित होगी। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो घर पे बैठे जो स्टडी कर रहे हैं उन सभी को इसका सुलभ मौका दिलाएं, जो वो इसका भरपूर लाभ ले सकें। यूट्यूब चैनल से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है।